हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहे जैसे ना तुम पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो, ना वो पढ़ता है ना वो लिखता है, ना वो दुकान जाता है ना वो खेत में काम करता है। तो देखिए यहाँ पर नाइदर नॉर लिखा गया है। नाइदर नॉर का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो चले देखते हैं, हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए पहला वाक्य है, ना वो पढ़ता है ना वो लिखता है, बस खेलता है। नाइदर ही रीड्स नॉर राइट ओनली प्लेज। नाइदर ही रीड्स नॉर राइट ओनली प्लेज। अगला वाक्य देखिए, ना तुम पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो। ना तुम पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो। नाइदर यू रीड नॉर लेट मी। नाइदर यू रीड नॉर लेट मी। दोबारा हम रीड लिखे या न लिखे। अगला वाक्य देखिए, ना वो खा रही है ना पी रही है, केवल सो रही है। नाइदर सी इज ईटिंग नॉर ड्रिंकिंग ओनली स्लीपिंग। अगला वाक्य देखिए, ना उसकी बहन होमवर्क पूरा करती है। नाइदर सी नॉर हर सिस्टर कम्प्लीट्स होमवर्क, ऐसा टीचर शिकायत कर रहा है। अगला वाक्य देखिए, ना वो दुकान पर जाता है ना वो खेत में काम करता है, बस घूमता है। नाइदर ही गोज टू शॉप नॉर वर्क्स इन द फील्ड ओनली वंडर। गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।